हाय गाइस, आज मैंने ये वीडियो बनाई है हरिद्वार की कॉन्ट्रोवर्सीज एंड स्कैम्स बताने के लिए। सो वेलकम टू माय चैनल टाइम लाइनर्स मीडिया। सो मैं बात करूँगा हरिद्वार के सबसे बड़े स्कैम्स, तो यहाँ खुद पंडित कर रहे हैं, कर ही वो रहे हैं। हम लोग आरती देखने के लिए हरिद्वार में हर की पौड़ी पर पहुँचे एंड वहाँ पे हमें काफ़ी सारे एजेंट्स मिले, जो कोई 1000 रुपये डिमांड कर रहा था, कोई 2000 कर रहा था कि हम आपको आगे बिठाएंगे, एकदम आप हमें इतने पैसे दे दो एंड आपके लिए जगह रिजर्व रहेगी। एंड हम लोग भी बाहर से हैं, सो हम लोगों ने सोचा हम स्पेशल आरती अटेंड करने के लिए आए हैं, सो दे देते हैं, कोई बात नहीं। एंड हम लोगों ने मतलब बार्गेन वगैरह किया, 3-4 लोगों से बात करी एंड एक बंदे ने 500 रुपये में ऑफ़र किया, तो हमने 500 रुपये दिए एंड 4 लोगों की सीट रिजर्व करवा के हम वहाँ बैठ गए। एंड उसी के थोड़ी सी देर के बाद वहाँ पे और पंडित आते हैं एंड वो अपने अपने लोगों को लेके आते हैं एंड कहते हैं कि यहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ। अब हम लोग जहाँ बैठे थे वो कहते हैं आप वहाँ से पीछे हो जाओ, बट हम लोगों ने मना कर दिया बिकॉज मैंने वीडियो बनाई हुई थी उनकी इन सब चीज़ों की। एंड इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने मुझे हिलने नहीं दिया, मतलब हम चारों को हिलने नहीं दिया। एंड उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बोला कि आप पूजा करने के लिए आगे आ जाओ, मतलब उन्होंने पैसे और निकलवाने थे एंड लिटरली वहाँ पर्चियाँ कट रही थी पूजा के नाम पर, जिसको वो अपनी पॉकेट में डाल रहे थे। एंड वहाँ पे लिटरली ये किया जाता है कि आप इतने की पूजा करवाओ तो भगवान जी आपको ऐसे करेंगे, आप इतने की पूजा करवाओ आपको भगवान जी वहाँ ऐसे करेंगे। सो अगर भगवान जी पैसे लेके ही इस तरीके से काम करने लगे तो हम घर पे पैसे चढ़ा के काम करवा सकते हैं भगवान जी से, मतलब इन्होंने अपना बिजनेस बनाया हुआ, वहाँ पर धंधा बनाया हुआ है। सो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि फ्री फंड में वहाँ पे ऐसे पैसे ना देकर हर एक चीज़ की वीडियो हमेशा अपने पास रखें अगर आप किसी को कोई भी पैसा दे रहे हैं। एंड मैंने उस पूजा की वीडियो नहीं बनाई जिसमें इन्होंने बोला था कि आप इतने पैसे दान करो तो आपके साथ ऐसे होगा, इतने पैसे दान करो, इतना घी दान करो, आपको घी लेके नहीं आना पड़ेगा, आप हमें पैसे दे दो, हम लेके आएंगे घी और अपने आप चढ़ा देंगे। सो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कभी भी अगर आपने कुछ भी दान पुण्य करना है तो वो पैसों में ना करें। अगर वो घी आपको देना है तो घी ही दे, उसके पैसे ना दें। आप अगर आपको गेहूँ देना है आप गेहूँ ही दें, लेकिन उसके लिए पैसे ना दें, क्योंकि ये पैसे गंगा माता के पास नहीं जाते हैं, हर एक पंडित की जेब में जाते हैं। मेरी 2 महीने की बेटी साथ थी कृधा, उन्होंने तो उसको भी नहीं बख्शा कि इसकी पूजा करवा रहे हैं, अब इसके नाम पर आप इतने केजी ये दे दीजिए, हर एक केजी का हिसाब बनता है 700 रुपये किलो एंड इसमें आपका 10 किलो जाएगा, तो आप इतनी दक्षिणा हमें दे दीजिए। मैंने तो सीधा मना कर दिया, मैं दक्षिणा क्यों दूँ जब मैं सीधा सामान दे सकता हूँ, तो मैंने वहाँ सामान भी नहीं दिया। मैंने कहा इससे बढ़िया मैं किसी गरीब को खिला दूँगा, इनकी जेब में डालने से बेटर है। सो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें एंड केयरफुल रहें, सतर्क रहें। So thank you so much guys for watching this video and if you really like it please like and subscribe to my channel. Thanks for watching.